वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टॉपिक हमने जो किया था वो बायोट सर्किट लॉ के बेस्ड ऑन सर्कुलर लूप किया था, ठीक है। अब क्या है, अब निकालना है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, ऑफ द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, ठीक है। अब देखिए डायग्राम को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये क्या है, एक सर्कल की तरह है, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब क्या है कि आपका अगर बायोट सेपरेट ला था तो उसमें मैंने क्या किया था कि एक वायर ली थी जिसमें एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किया था, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता था, डी एल होता था और ये करंट की डायरेक्शन होती थी, तो हम क्या लेते थे, आई डी एल ले लेते थे इसको, क्या लेते थे, आई डी एल। उसी तरीके से ये एक हमारे पास एक ये क्या है, ये क्या करंट कैरिंग लूप है, करंट की डायरेक्शन ये है हमारे पास, ठीक है। ये इसका रेडियस है, तो यहाँ पर क्या हम स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं ए बी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ गया, आई डी एल आ गया, ठीक है। तो अब क्या है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ए मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, क्या करना है हमने, अब बायोट सेपरेट लॉ का यूज़ करना है, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी, ठीक है, जिसे हमने निकालना है। अब क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी, ये सी पॉइंट है, ठीक है। ड्यू टू द करंट कैरिंग एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, ए बी, क्या होता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल आर यूनिट वैक्टर अपॉन आर स्केयर। आप बता सकते हैं आप मुझे कि ये कहाँ से आया, इट इज़ ये आया बाई यूजिंग बायोट सेपरेट लॉ। आप देखिए सामने नज़र आ रहा है आपके पास क्या है, जो डायरेक्शन है आपके पास डी एल और आर यूनिट वैक्टर, ये जो डायरेक्शन है ये क्या रिप्रजेंट कर रही है, ये डी एल एस वॉल एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसके बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आप क्या करूँगा, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ क्रॉस, जब आपको पता होगा जी जब क्रॉस प्रोडक्ट को जब ख़त्म करते हैं तो एंगल क्या आता है, 90 डिग्री एंगल आता है, ठीक है। तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो जब यहाँ इसको करते हैं तो क्या एलिमेंट बचा, सिर्फ डी एल एलिमेंट बचा, ठीक है, यहाँ तक सिर्फ डी एल एलिमेंट ही आएगा। अब क्या करना है, देयर फोर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कहाँ पर, सेंटर ऑफ द करंट करंट कैरिंग लूप कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटेग्रेटिंग। अब क्या किया, इस इक्वेशन को मैं इंटेग्रेट करता हूँ, डी एल की इंटेग्रेशन क्या आएगी, 2 पाई आर, ये कहाँ से आया, बिल्कुल ऑफ सर्कमफ्रांस ऑफ दिस सर्कल, वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब क्या बोलता कि अगर इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने, क्वाइल्स कितने, टर्न्स कितनी है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आई अपॉन आर, विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। दोबारा से देखेंगे, सिंपल सी बात है, मैं बायोट सेपरेट लॉ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बायोट सेपरेट लॉ क्या बोलता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और एंगल बिटवीन डी एल वेक्टर एंड आर यूनिट वेक्टर कितना है, 90 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा, जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, जब इसको सॉल्व किया तो डी एल के इक्वल आ गया। अब मैंने क्या करना है, इस वैल्यू को जब पुट कर देना है, उसके बाद टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैलकुलेट करने के लिए इंटेग्रेट करना है, इंटेग्रेट करूँगा तो डी एल आएगा, जब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये इजीएस्ट वे है इस क्वेश्चन करने का, इनकेस डिस्क्रिपेंसी तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू।